मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू सब्जेक्ट्स मैथ्स. टुडे वी विल लर्न अबाउट काउंटिंग द वर्ड्स इन अबाकस. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर वन. आइडेंटिफाई द नंबर रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ द गिवन अबाकसी. ओके. पार्ट ए. आज हम नंबर लिखना जानेंगे. ठीक है. किसके द्वारा? अबाकस के द्वारा. ठीक है. अबाकस के द्वारा हम नंबर लिखना जानेंगे. ठीक है. ओके बच्चों. ए. पहले हम प्लेस वैल्यू जानेंगे. किसका कौन प्लेस वैल्यू, किसका क्या प्लेस वैल्यू है. ठीक है. तो पहले हम ये यहाँ पे ये लाइन जो है ये टेंस है और ये लाइन जो है वंस है. ठीक है. टू डिजिट का पहले हम जानेंगे. ठीक है. तो ये टेंस है, ये वंस हो गया. अब हम देखेंगे ये जो सर्किल बना हुआ है, राउंड गोल गोल जो बना हुआ है मोती के तरह, इसे हम बिट्स कहते हैं. ठीक है. ये मोती के तरह जो बना हुआ है बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? बिट्स कहेंगे. और ये क्या हो गया? अबाकस. इसे हम अबाकस कहते हैं. और ये क्या हो गया? बिट्स. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन में कितने बिट्स हैं वो हम काउंट करेंगे. ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सिक्स है फर्स्ट लाइन में. सिक्स बिट्स है. सिक्स बिट्स हो गया. टेंस प्लेस पे कितने बिट्स हैं? सिक्स टेंस. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सिक्स टेंस यानी कितना हुआ? सिक्सटी. सिक्स टेंस का मतलब क्या हुआ? सिक्सटी. ठीक है. तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्सटी. वंस प्लेस पे, अब हम वंस प्लेस पे कितने बिट्स हैं इस बिट्स को काउंट करेंगे. वन टू थ्री फोर फाइव. कितने बिट्स हैं? फाइव बिट्स हैं. ठीक है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिक्सटी फाइव. यहाँ क्या लिखेंगे? ये कितने बिट्स हुआ? फाइव हुआ. ये सिक्सटी फाइव हो गया. ठीक है. ये हम क्या लिखेंगे? वर्ड्स में लिखे हैं. यहाँ इस चीज़ को यहाँ हमें नंबर में लिखना जानेंगे. ठीक है. हम कैसे लिखेंगे? तो 65 है तो 65. ओके बच्चों. अब है क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में हम क्या किए हैं? ऐसे तो आप लोग को टू डिजिट का ही पढ़ना है. ठीक है. लेकिन हम यहाँ थ्री डिजिट वाले हैं. अबाकस के द्वारा हम नंबर लिखना सिखा रहे हैं. ठीक है. बता रहे हैं आपको थ्री डिजिट का. तो यह क्या है? हंड्रेड टेंस वंस. प्लेस वैल्यू आप जान गए. हंड्रेड प्लेस पे कितने बिट्स हैं? वन टू. कितने बिट्स हैं? टू. तो हम यहाँ लिखेंगे टू हंड्रेड. हंड्रेड है ना यहाँ, तो हंड्रेड लिखेंगे. हंड्रेड टेंस पे कितने हैं? वन टू थ्री फोर. टेंस प्लेस पे कितने बिट्स हैं? फोर. फोर है तो हम यहाँ लिखेंगे फोर. फोर. ठीक है. फोर यानी फोर टेंस. ये फोर टेंस हुआ तो फोर्टी हो जाएगा. एफ ओ आर टी वाई. फोर्टी. फोर्टी हो गया. ये फोर टेंस यानी फोर्टी. और वंस प्लेस पे कुछ भी नहीं है, एक भी बिट्स नहीं है. तो ये क्या हो गया? टू हंड्रेड फोर्टी ही रह जाएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कोई बिट्स नहीं है तो यहाँ कोई डिजिट नहीं लिखेंगे. ठीक है. तो टू हंड्रेड फोर्टी. चलिए तो हम यहाँ टू हंड्रेड फोर्टी को नंबर में कैसे लिखेंगे? टू हंड्रेड, ये हंड्रेड हो गया. फोर्टी यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो. ओके बच्चों. क्वेश्चन नंबर सी. हंड्रेड टेंस वंस. ठीक है. हंड्रेड प्लेस पे बिट्स को काउंट करेंगे. हाउ मैनी बिट्स? वन. तो ये क्या हो गया? वन. हंड्रेड. वन हंड्रेड हो गया. टेंस प्लेस पे कितने बिट्स हैं? वन टू थ्री फोर.
कितने बीट्स हैं? 4 बीट्स हैं टेंस प्लेस पे, तो ये 40 हो गया। इसे हम 4 टेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 टेंस भी लिख सकते हैं। चलिए 4 टेंस लिखते हैं यहाँ पे हम। फोर टेंस यानी 40 हो गया, ठीक है। वंस प्लेस पे कितने बिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5 कितने बिट्स हैं? 5 बिट्स हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, 5 वंस भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हम 140 भी लिख सकते हैं, 4 टेंस यानी 40, 5 वंस में सिर्फ 5, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 5 वंस। अब यहाँ हम इसे हम नंबर में लिखेंगे, 100 हो गया, 4 टेंस यानी 45 हो गया, ओके बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, 100 टेंस वंस, 100 प्लेस पे कितने बिट्स हैं? 1, 2 कितने बिट्स है? हाउ मैनी बिट्स? 2। तो यहाँ पे ये जगह नहीं है, क्वेश्चन नंबर सी हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर यहाँ लिखेंगे। कितने बिट्स है 100 प्लेस पे? 2। तो 200 टेंस पे कितना है? 1 भी नहीं है, टेंस प्लेस में 1 भी बिट्स नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ, 200 हो गया। अब वंस प्लेस पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने बिट्स हैं? 7 बिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 107, ठीक है, 107, ओके बच्चों। अब इसे हम यहाँ लिखेंगे, 1, यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 and 7, ओके बच्चों। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर्स ऑन द अबाकस, ठीक है। यहाँ पे अबाकस बना हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? बीट्स को डालना, बीट्स हम डालेंगे, और कैसे कहाँ से डालेंगे बीट्स डालने के लिए हमको नंबर चाहिए, नंबर जानना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे, ये 14 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, उसमें बीट्स दिया हुआ है, तो आपको अपने से बीट्स काउंट करके नंबर यहाँ लिखना था। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को आपको अबेकस में, अबेकस के द्वारा बीट्स डालना है, ठीक है, अबेकस। चलिए स्टार्ट, ये है 1 वंस, इधर से हम काउंट करते हैं ना, वंस टेंस, टेंस प्लेस पे 1 है, तो हम यहाँ बीट्स कितने डालेंगे? 1 बीट्स डालेंगे, ओके बच्चों। कितने बीट्स हो गया? 1, और ये वंस में कितने बीट्स डालेंगे? 4, बीट्स हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है? 1 टेंस 1 टेन होगा, टेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 अकेला है, सिंगल है, 1 टेन, और ये 4 वंस, 4 वंस, ओके बच्चों, हो गया। इसी तरह हम इसे भी लिखेंगे, फॉलो करेंगे, टेंस वंस, अब ये टेंस 4 है और वंस प्लेस पे 1 है, तो टेंस प्लेस पे कितना बिट्स डालेंगे? 4, और वंस प्लेस पे कितना बिट्स डालना है? 1, क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 बिट्स डालेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 4 टेंस यानी 40, 4 टेंस का मतलब क्या होता है? 40, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम F O U R 4
टेंस वन वंस होगा, वन यहाँ पे एक बीट्स है ठीक है, तो वन लिखेंगे वन ठीक है। ओके बच्चों ये हो गया फोर टेंस यानी फोर्टी, तो यहाँ फोर्टी लिख दिए, ये वन टू वन फोर्टी वन हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इसी तरह बनाना है, हंड्रेड टेंस, अब ये थर्टी है। ओके बच्चों ये थर्टी, अब इसे देखना है कैसे बनेगा थर्टी, तो थ्री है यहाँ, थ्री हंड्रेड प्लेस में हम थ्री बीट्स को डालेंगे, वन टू थ्री, थ्री बीट्स हो गया। ओके बच्चों ये कुछ नहीं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ भी एक भी बीट्स नहीं डालेंगे ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थ्री टेंस, ये क्या है थ्री टेंस, और ये क्या है वंस, थ्री टेंस और ये वंस है ठीक है। तो थ्री टेंस यानी थर्टी, इसे हम थर्टी भी लिख सकते हैं ठीक है, टी वाई थ्री टेंस, और वंस कुछ भी नहीं है जीरो ठीक है, तो जीरो वंस लिखेंगे। थ्री टेंस का मतलब क्या हुआ थर्टी, थ्री टेंस का मतलब थर्टी, तो यदि हम थर्टी लिखेंगे तो टेंस नहीं लिखेंगे ठीक है, और टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे, तो हम क्या किए हैं थर्टी लिखे हैं तो टेंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे ठीक है। ओके बच्चों समझ गए, सिर्फ थर्टी ही इसे बोलेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये थर्टी हो गया, यहाँ थर्टी हम लिख दिए ठीक है। ओके बच्चों अब ये थ्री डिजिट वाला समझिए ठीक है, थ्री डिजिट हंड्रेड टेंस वंस, ये थ्री डिजिट पे हमको समझना है। इसमें हम उसी तरह यहाँ पे क्या है टू वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड कितना है टू हंड्रेड, तो टू बीट्स डालेंगे, थ्री टेंस तो थ्री बीट्स डालेंगे, टू वंस टू बीट्स डालेंगे, ये अब क्या हो जाएगा टू हंड्रेड, ये क्या हो जाएगा टू टू हंड्रेड ठीक है। उसके बाद टेंस कितना है थ्री, तो ये थ्री टेंस है यानी थर्टी हो जाएगा थर्टी, और वंस कितना है टू, थ्री हंड्रेड थर्टी टू, टू हंड्रेड सॉरी टू है तो टू हंड्रेड, थ्री टेंस तो थर्टी, टू वंस तो टू, टू हंड्रेड थर्टी टू। ओके बच्चों क्लियर, आप समझ गए ना, थैंक यू।